बाप के ऊपर तो बलि चढ़ते हैं, आज चढ़ते हैं कल भाग जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, क्योंकि बाप तो गुप्त आता है, प्रत्यक्ष तो होता नहीं, तो बाप की पहचान नहीं हो पाती पूरी। और देवी का तो इतना विशाल रूप में भव्य स्वागत होगा इस संसार में, जो पहचान में आ जाता है, ये सारी दुनिया कलयुग के अंत में दैत्यों की बन जाती है, राक्षसों की बन जाती है या देवात्माओं की होती है। देवी की पूजा कौन करते हैं? तो राक्षस ही बलि चढ़ेंगे या देवात्माएं बलि चढ़ेंगी? है राक्षस बलि जब इतनी भारी संख्या में अर्पण में हो जाते हैं, कहते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति यही है, तो जैसे चलाते हैं वैसे चल पड़ते हैं। बाप एक ही बात हजारों हजार बार कहते हैं तो भी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और देवी का आज्ञा एक बार मिली जैसे कि जीवन अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते। तो इसको कहेंगे बलि चढ़ना। बाप तो बच्चों को स्वेच्छा के आधार पर चलना सिखाते हैं, स्वतंत्र रहो स्वतंत्र रहने दो, स्वतंत्र रहना सिखाते हैं। कोई प्रकार का भय या जबरदस्ती करने की बात नहीं है, और देवी के आगे तो बलि चढ़ना ही चढ़ना है। शक्ति के आगे सारी दुनिया झुक जाती है, शक्तिवान को तो पहचान ही नहीं पाते। तो बलि चढ़ना, बलि का बकरा बनना, मैं सब खलास हो जाना। और दुनिया में कहावत है, पहला सूत्र वो सिखाया, पहला सूत्र वो सिखाया, पहला सुख निरोगी काया। तो बाबा ने बताया है कि शरीर दस जावे आत्मा पावर शुरू होती है। दुनिया में कहावत है ना, बाबा तो नहीं कहा, बाबा ने तो कहा कि भले ये शरीर सड़ जाए परंतु इसमें आत्मा कौन सी निवास करती है, पावरफुल या सड़ी हुई आत्मा? पावरफुल आत्मा होती जावेगी याद की पावर से। तो जिस शरीर में लुंजुम पुंजुम शरीर में वो भूत प्रेत भी प्रवेश कर जाते हैं, तो लुंजुम पुंजुम होते हुए भी पावरफुल हो जाते हैं या कमजोर दिखाई देते हैं? है पावरफुल हो जाते हैं, वो तो है पाप आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं। और ये आत्माएं तो पाप आत्माएं नहीं है, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। इन भगवान के बच्चों में वो भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश भी नहीं कर सकते, इनकी दृष्टि दृष्टि लेते लेते रफु चक्कर हो जाती है, इतनी पावरफुल आत्मा है।
तो बात उल्टी हो जाती है। दुनिया वालों की बात है कि सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ है शरीर, और बाप क्या कहते हैं, सबसे बड़ा सुख है मन स्वस्थ होना। एक होता है तन बल, एक होता है जन बल, एक होता है धन बल, और एक होता है मनोबल। सबसे पावरफुल बल कौन सा है, जिसके पावरफुल होने पर सारी दुनिया की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। मन अगर पावरफुल होगा तो तन भी पावरफुल बना लेगा, धन भी बहुत कमा लेगा, लोगों का हुजूम भी बहुत इकट्ठा कर लेगा। मन अगर लुंजुम पुंजुम होगा, बौद्धिक पावर ही नहीं होगी, तो ये तीनों बल छीण हो जाएंगे और होते रहते हैं। कोई हेल्थ वाला ऐसा दुनिया में देखा जो अंत तक हेल्थ वाला ही बना रहे, देखा? आज हेल्थ वाले दिखाई पड़ रहे हैं, सौंदर्यवान दिखाई देते हैं, और कल उनका सौंदर्य मिट्टी में मिल जाता है। ये अल्पकाल की प्राप्ति है। बाप जो रास्ता दिखाते हैं वो सदाकाल की प्राप्ति है। इसलिए बोला कि तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर बल सड़ता जाएगा, कोई चिंता नहीं। और एडवांस में आने के बाद बीमारी ज्यादा, कितनी बार मुरली में बोला है, वैद्य दवाई देते हैं तो पिछली बीमारियां सब जो पेट के अंदर भरी हुई हैं वो उछाल मारेंगी, तो 63 जन्म की बीमारियां सारी बाहर आती हैं। बेसिक में इतनी नहीं आती है जितनी एडवांस में आती है। तन की बीमारियां भी बाहर आती है और मन की बीमारियां भी बाहर आती है। और बाबा ने गंगा को कन्या कहा और विष्णु के कमल की मां का गंगा है, तो उसका क्या माँ को अगर कोई कंट्रोल में कर ले बे तो पिता हो गया ना, है? तो शंकर जी ने धरावना कर लिया ना, कन्या को धारण कर लिया कि नहीं कर लिया? तो कुंवारी कन्या है या गंगा मैया है? कुंवारी कन्या है, मैया है, कुंवारी कन्या नहीं है। और शास्त्रों में भीष्म पिता के बाप का नाम नहीं आया है, है? शांतनु तो क्यों कह दिया? क्यों कुंवारी कन्या से भीष्म पितामह हुए, है? शांतनु का अर्थ क्या हुआ? है ये शांतनु का पार्ट किसका हुआ? ऐसा संसार में कौन सा चित्र है जो सदैव शांति स्टेज में बैठा हुआ दिखाया जाता है?
वो ईशांतन हुआ। और सवारी, हाँ काहे पे दिखाई जाती है देवी की सवारी? हाँ हाँ, शेर पर भी दिखाई जाती है, गधे पर भी दिखाई जाती है, मयूर पर भी दिखाई जाती है। देवी की सवारियाँ तो घड़ियाल पर भी दिखाई जाती है। पता नहीं कौन सी देवी की बात कर रहे हैं। हाँ चलो मान लो, हाँ मान लिया, सिर्फ देवी की सवारी सिर्फ शेर पर दिखाई जाती, ये रंग है। देवियां अनेक प्रकार की हैं, उनमें एक देवी है जिसे सिंह वाहिनी दिखाते हैं। बाघम्बरी अलग है, और अपने भारतवर्ष में बाघ की मान्यता ज्यादा है या सिंह की मान्यता ज्यादा है? बाघ माने टाइगर है, बाघ की मान्यता ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल और होशियार होता है। सिंह सीधा साधा होता है, भोला भाला है, और बाघ चांगड़ा है। बाघ के आक्रमण से बचना मुश्किल होता है। हाँ, तो पूछ क्या रहे थे? देवों के देव बैल दिखाइए। हाँ हाँ, तो कारण बताओ। कारण ये है कि बैल प्रजा उत्पत्ति करता है। एक बैल होता है और सैकड़ों हजारों गौएं होती है। जैसे कृष्ण के साथ कितनी गौएं दिखाई गई है? 16,000 गौएं दिखाई गई, और एक बैल दिखाया गया किसको? वो गौएं ह्यूमन गौएं थी या जानवर गौएं थी? तो जो बैल भी था वो ह्यूमन था या जानवर था? ह्यूमन था। अब वो बाबा ने सत्य बात बता दी कि न वो कृष्ण है और न वो बैल है, वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है, दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है। वो ही बैल का प्रतीक है, वो बैल वाली आत्मा अभी सूक्ष्म शरीर धारण करके ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए बैल पर सवारी अभी शंकर की नहीं है। जब शंकर तपस्या करते करते ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हाई जंप लगाएगा और ब्रह्मा बैल के ऊपर सवारी साबित हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा रूपी बैल है, उनकी सवारी दिखाई गई है। संपूर्ण स्टेज का गायन है, अभी की अधूरी पुरुषार्थी स्टेज का गायन नहीं है। और चार अवस्थाओं को पसारा जाता है। हाँ। शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ चार अवस्थाओं से पसार होता है। होता ही है।
तुम्हारी अपनी अवस्था को देखो, बेसिक में आने के बाद अवस्था चार अवस्थाओं से गुजरती हुई अनुभव में आई या नहीं आई। ऐसे ही जब एडवांस में आ गए तो अवस्था चार अवस्थाओं से गुजरती हुई नजर आई या नहीं आई। चढ़ती कला हो जाएगी ना बाबा, है बाबा कि तुम्हारी ये चढ़ती कला है। चढ़ती कला याद की है, याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है, लेकिन याद का रिजल्ट तब निकलेगा जैसे पूरी को घी में डाला जाता है तो वो नीचे ही पड़ी रहती है, ऊपर नहीं आ जाती। तुरंत चढ़ती कला नहीं हो जाती। कब होती है? जब याद की स्टेज परिपक्व बन जावेगी तब पूरी ऊपर आवेगी। वो याद की सिद्धि अभी नहीं है, जब याद की सिद्धि हो जाएगी तो चढ़ती कला हो जाएगी। और चाँदी का अकेला महसूस करता है अपन को, उसकी पत्नी क्यों नहीं दिखाई दे? चाँदी चाँदी की पत्नी को सन्यासी सन्यासी क्यों दिखाया गया? चाँदी को क्या? ऐसा है, भारतीय परंपरा में 45 साल तक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करते थे, 45 साल के बाद फिर शादी करते थे, क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ने का कार्य है वो पढ़ाई ब्रह्मचर्य स्टेज में बहुत अच्छी पढ़ी जाती है। अगर कोई कार्य की सिद्धि पानी है तो ब्रह्मचर्य को पालन करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने तो अपने जीवन में एक लक्ष्य लिया था। क्या लक्ष्य लिया था? लक्ष्य लिया था कि सारे भारत को एक सूत्र में बांधना है। वो लक्ष्य सिद्धि तभी हो सकती है जबकि सारी शक्ति एकाग्र होकर के एक कार्य में लग जाए। और हाँ जी, और बोलो बोलो बोलो। आज मुरली में कहा, तुम सभी बच्चे दुखों से छूटने वाले हो, तो क्या 2018 के लिए कहा है? बताओ कब के लिए कहा है? जब से बाबा का बन जाए। कब से बन जाएंगे? वो ही तो पूछ रहे। पहले बाबा के बन जाएंगे, बाबा की गोद में चले जाएंगे, या पहले अम्मा की गोद में जाएंगे? किसके बनेंगे पहले? पहले सरेंडर बाबा को होंगे या पहले अम्मा को सरेंडर होंगे? अरे बच्चा पैदा होता है, बाप का बच्चा बनता है, तो पहले किसकी गोद में जाता है? तो बाप को पहले सरेंडर हो जाएंगे? अरे ब्रह्मा कुमारियों का इतना रुतवा नहीं हुआ है दुनिया में जितना प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दुनिया में रुतवा होने वाला है। सारी दुनिया देवियों को अर्पण हो जाएगी। देवी की गोद में जावेंगे तब बच्चे कहे जावेंगे।
गोद पहले माँ की मिलती है कि बाप की मिलती है? माँ की मिलती है। तो मुरली में कहा है तुम सभी दुखों से छूटने वाले हो, तो 2018 के लिए कहा है क्या? है अरे दुखों को आती होगी पहले कि पहले ही अंत हो जाएगा? आती होगी। और आती कहाँ होगी? इस दुनिया में भी दुखों की अति कहाँ महसूस करते हैं? अरे 21 जन्म की तो बात छोड़ दो, 63 जन्म दुखों की दुनिया है। तो 63 जन्मों में अति का दुख कहाँ अनुभव करते हैं? संगम युग में, माने संगम युग में सभी आत्माएं अति दुखों का अनुभव करती हैं। अरे जब गर्भ में जाते हैं तो त्राह त्राह करते हैं कि नहीं? है? नहीं करते? करते हैं। तो ऐसे ही ये बाप के बच्चे तो बाद में बनेंगे, अनुभव करेंगे, पहले अम्मा के गर्भ में त्राहि त्राहि करेंगे। वो है धर्मराज, धारणाओं का राजा, जो जगदम्बा रूपी महाकाली में प्रवेश करता है, धर्मराज का अनुभव कराता है। बलि चढ़ते हैं, वो बलि महाप्रसाद है। प्रसाद माने प्रसन्नता, महान प्रसन्नता कब होगी? महान दुखों के बाद महाप्रसन्नता होगी कि पहले ही हो जाएगी? है? है? महान दुखों के बाद, दुखों की अति होने के बाद महान प्रसन्नता होगी। तो जो महाकाली का पार्ट है वो गर्भ जेल के अति से अति पैदा करने वाले दुखों को अनुभव कराने वाला काल है, 2018 से पहले का काल। उसके बाद फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं दुखों से दूर होती जाएंगी। इसके लिए मुरली में बोला है, क्लैरिफिकेशन में भी क्लियर किया गया है कि 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष लगते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान होने में। माने 2018 में मुट्ठी भर आत्माएं एक परिवार की, एक परिवार की इकाई होगी जो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगी। फिर नंबरवार तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती जावेंगी और दुखों से छूटती जावेंगी। मिरुआ मौत और मलू का शिकार इस स्टेज को प्राप्त करती जाएंगी।
कब तक? 2018 से लेकर 2028 तक। छिहत्तर से शुरुआत होती है, छिहत्तर में सारी दुनिया आती तमो प्रधान। और वो अति बढ़ती चली जाती है, बढ़ते बढ़ते 2018 तक सारी दुनिया में खास करके ब्राह्मण त्राहि त्राहि करने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। कलकत्ते में मां 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 की रट्टा लगाते हैं। तुम बच्चों को इतनी ताकत नहीं है, जो बाप की याद में बैठ करके अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर परमधाम वासी हो जाओ। परमधाम में जाकर के आत्मा बैठ जाए। इसलिए बोला है, बाप बैठे ऐसी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम इस दुनिया में ठहर नहीं सकेंगे। बाप की दृष्टि लिफ्ट का काम करेगी। नजर से निहाल कहते हैं सिख लोग, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये कोई स्थूल चीज नहीं है जो नैनों पर बैठ जावेगी। ये आत्मा की सूक्ष्म अति सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिन्हें दृष्टि कहा जाता है। वो बाप की याद में ऐसी बंधायमान हो जाएगी कि बिना प्रयास के ही सहज सहज आत्मा ऊपर उड़ जाएगी। पूछा है, बाबा सत्युग में बढ़िया बढ़िया मकान रहेंगे? मकान रहेंगे? अगर मकान रहेंगे तो बनाने वाले भी होना चाहिए। मकान बनाने वाले तो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं। मकान किस लिए बनाए जाते हैं? हैं? एक तो सुरक्षा के लिए मकान और किले बनाए जाते हैं। छोटा आदमी छोटा मकान बनाएगा, बड़ा आदमी बड़ा मकान बनाएगा, राजा महाराजा किला बनावेगा। तो एक तो सुरक्षा के लिए मकान बनाए जाते हैं, दूसरे देवान को छुपाने के लिए मकान बनाए जाते हैं। न तो वहां सुरक्षा की दरकार होगी और न वहां देवान की दरकार होगी, इसलिए मकानों की बात ही नहीं। हां, धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी, प्रकृति
सोलह कला संपूर्ण से कलाहीनता की ओर जावेगी और धीरे धीरे मकानों की शुरुआत होगी, वो भी प्राकृतिक मकान बनेंगे अर्थात पहाड़ों की गुफाएं तैयार हो जाएंगी। जिन गुफाओं में हम बैठ चित्रकारी करेंगे और रहेंगे भी, बाकी आर्टिफिशियल मकान बनाने की दरकार नहीं होगी। हमारा शरीर ही आत्मा का मकान है, हमारा शरीर ही आत्मा का कपड़ा है। बढ़िया बढ़िया पक्षी रहेंगे, बढ़िया बढ़िया फल होंगे, फूल होंगे, नदियां होंगी, फिर वहां नंगे क्यों रहेंगे? बहुत देवान आ रहा है, वहां नंगा रहना पड़ेगा। अरे ये देवान कब तक है? देवान ज्यादा किसको आता है? आज दुनिया में सन्यासी लोग नंगे रहते हैं ना? नागा लोग नंगे रहते हैं, जैन मुनि नंगे रहते हैं, ये पुरुष वर्ग में ज्यादा रहते हैं या स्त्रियों में रहते हैं? है पुरुष वर्ग में, क्यों? पुरुष वर्ग उनको कपड़ों की दरकार क्यों नहीं होती? वो नंगे रह लेते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं रहती? कारण बताओ। देवान ज्यादा होता है स्त्रियों में। ऐसे ही नई सत्य की दुनिया में देवान का नाम निशान नहीं होगा, इसलिए वहां कपड़ों की दरकार ही नहीं होगी। देवान पैदा करने वाले अंग ही देखने में नहीं आवेंगे, उन अंगों की ओर किसी की बुद्धि भी नहीं जावेगी। बुद्धि भ्रकुटी के मध्य आत्मा की ओर जावेगी, इसलिए वहां कपड़ों की दरकार नहीं होगी। देवान को छुपाने के लिए कपड़ों की दरकार पड़ी। पहले कम देवान था द्वापर के आदि में, तो पत्तों के कपड़े पहनते थे, फिर धीरे धीरे देवान बढ़ता गया और बड़े बड़े कारखाने बनते गए। अभी देवान की दुनिया ही खलास हो जाएगी। और दो हजार अठारह में कृष्ण बच्चे की पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी है, तो एक वार्ता में आया है कि 2030 तक पढ़ाई करती रहेगी है। 2030 पढ़ाई चलती रहेगी किन की? अरे प्रजा वर्ग वाली आत्माएं पढ़ाई पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी? है तो प्रजा वर्ग वाली आत्माओं की पढ़ाई अंत तक चलेगी, या जो राजा वर्ग वाली आत्माएं वो ज्यादा समझदार हैं वो पहले पढ़ाई पढ़ाई पढ़ लेंगी? है हाँ, तो 2028 तक जो राजा वर्ग वाली आत्माएं हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जो प्रजा वर्ग वाली आत्माएं हैं वो कम समझदार होती है, इसलिए उनकी पढ़ाई चालू रहेगी। जिनके लिए बोला तुम बच्चे तुमको तमोपधान से सतोपधान बनने में कितना टाइम लगता है? है 50 वर्ष, 40 से 50। तो तुम बच्चों की लिस्ट में कितनी आत्माएं आती हैं?
बाबा जिन बच्चों को तुम बच्चे कहते हैं, तो बाबा की नजर के सामने कितने बच्चे होते हैं? हैं? और 4.5 लाख बच्चे हैं। ये 4.5 लाख बच्चे, ये पहले जन्म की वो प्रजा है जो यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट वाली होती है। वो वास्तव में प्रजा वर्ग की है भी नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर सारी सृष्टि के ऊपर कंट्रोल करने वाली है। ज्ञानी तू आत्माएं हैं, वो किसी से दब करके रहने वाली आत्माएं नहीं है। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है, स्पेशलिटी होती है, जो और जन्म की प्रजा में वो स्पेशलिटी खसूसियत नहीं होती है। ये डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं, डायरेक्ट बाप से संदेश लेने वाले बच्चे हैं। बाप की प्रजा है, बाप ने उनको अपना बनाया है। बड़ा राजा होगा तो प्रजा भी कैसी होगी? बड़े होगी। छोटा राजा होगा तो थोड़ी प्रजा होगी। थोड़ी प्रजा बनाने वालों को थोड़ों को संदेश देना पड़ेगा, और बड़ा सम्राट होगा तो उसको ज्यादा लोगों को संदेश देना पड़ेगा। इसलिए मुरली में बोला है, बाप की प्रजा भी है, बाप के 12,000 बच्चे भी हैं, बाप के भक्त बच्चे भी हैं। राज्य अधिकारी बच्चे भी हैं। और बाबा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा हूं, इतना नशा रहता है कि पूछो मत, और कभी इतनी जम के माथा बैठ जाती है, ठस हो जाती है कि हटने का नाम भी नहीं लेती। परेशान परेशान हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? माना पूछने वाला पूछ रहा है कि कभी अवस्था बहुत अच्छी जम जाती है तो आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है, और कभी कभी आत्मा एकदम ठस हो जाती। कितना भी प्रयास करो, ज्योति बिंदु याद ही नहीं आता, आत्मा प्रकृति के मध्य में टिकती ही नहीं, इधर उधर भाग खड़ी होती। इसका कारण क्या है? अरे कई बार बताया हुआ है, अरे 63 जन्मों के अच्छे बुरे संकल्प, अच्छे बुरे कर्म, उनकी रील घूमती रहती है संगम युग में। कभी अच्छे संकल्प और अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो न चाहते भी अवस्था बन जाती है, और कभी खराब संकल्पों की खराब कर्मों की रील घूमती है तो न चाहते हुए भी कितना भी प्रयास करो अवस्था नहीं बन पाती। और शीतला माता की पूजा होती है तो पहले एक दिन पकवान बनाते हैं, फिर 7वें दिन
बासी खाने की पूजा करते हैं, ऐसे होता है। नौ देवियों में सप्तमी के दिन शीतला की पूजा होती है और उस दिन बासी खाने का भोजन लगता है, भोग। अरे बताओ भाई, है लगता है। बासी खाने से पूजा क्यों होती है? सब देवी देवता ताजा खाना खाते हैं और शीतला देवी को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है? है बोलो, बताओ भाई, कोई की बुद्धि में आता हो तो बताओ। हाँ, कोई भी बुद्धि में नहीं आता है। अरे अरे जल्दी हाथ उठाओ, नहीं तो कैमरे में खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ने विचार नहीं किया है कि शीतला देवी का पार्ट किसका है। है अच्छा, सबसे ज्यादा शीतल होकर कौन रहती है? शीतल दिमाग वाले। गर्मी आती ही नहीं, अरे नौ देवियां हैं तो सब जानते हैं। महाकाली तो बड़े गर्म दिमाग वाली है, उसके मुकाबले कोई ठंडे दिमाग वाली भी होगी या नहीं? चलो इतना भी बता दिया है, है? छोटी मम्मी, ठीक है। तो छोटी मम्मी सबसे बढ़िया में बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया माल मसाला कौन सी चीज को समझती है? अरे हम बच्चों के लिए, जो आत्मा रूपी बाप के बच्चे हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया माल मसाला क्या चीज है? ज्ञान। ज्ञान के आधार पर याद भी है, तो वो ज्ञान या स्नेह की याद, दोनों ही चीजें समझ लो। ताजा ताजा माल रुद्रमाला के मर के खाते हैं और बासा कौन खाता है? विजयमाला खाएगी बासा या ताजा खाएगी? बासा खाएगी। तो सप्तमी के दिन उसको बासी भोजन लगाया जाता है भोग में, और ये कोई बात नहीं होती है। बेसी की सूल में जाते हैं तो साफ कपड़े और पॉलिश किए हुए जूते पहनकर जाना अनिवार्य है। इसकी शूटिंग कैसे होती है? वाह भाई, अच्छा बेसिक स्कूल ऐसे नहीं है गांवों में जहाँ गंदे संदे कपड़े पहन करके विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए और पांव में जूते होते ही नहीं?
उन्हें जबरदस्ती कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। बेचारे को लिखने वाले को माहौल ऐसा नहीं मिला है, इसलिए ऐसी लिख रहे हैं। अरे कुछ बड़ा बड़ा लिखा करो। खाने पीने की तरफ बुद्धि खूब लगी हुई है। बाबा बड़ी चिंता लगी हुई है। अंत में बाबा ने बताया दो रोटी और नमक जरूर मिलेगा बाबा के बच्चों को, तो बाबा नमक रोटी के साथ सरसों का तेल भी मिलेगा क्या? मिलेगा तो मजा आएगा, और नहीं तो सजा अनुभव हो जाएगी। ये तो नहीं बोला, बोला क्या? जब दुनिया में अकाल पड़ेगा, चारों तरफ अकाल ही अकाल, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अन्न का लोगों को दाना नहीं मिलेगा, तो सरसों के तेल की जरूरत रहेगी या दो रोटी खाने की जरूरत रहेगी? है भूख बिचारी कंडा खाए। जब तेज भूख लगती है और कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो जो भी रूखा सूखा मिल जाता है खा करके आत्मा तृप्त हो जाती है। तो टाइम ही ऐसा होगा भगदड़ का कि जो मिल जाएगा उसमें ही खुश हो जाएंगे। जैसे लड़ाइयों के दिनों में शिवाजी महाराज इतने बड़े राजा और जेब में चावल रखते थे, भाग दौड़ के टाइम पर कुछ नहीं मिला तो क्या खा लेते थे? एक मुट्ठी चावल खा लिया, बस सारे दिन लड़ाई लड़ना। अभी मस्ती की जिंदगी मिल रही है तो खाना पीना याद आता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये चीज भी होती वो चीज भी होती, फिर उतना ही चाहिए जितना पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। बाबा गीता पाठशाला में जब जाते हैं तो क्लास करने के समय गीता पाठशाला की टीचर अपनी मुरली चलाती है मुरली के बीच में, तो जब टीचर बोलती है तो उसकी बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए क्या या नहीं सुननी चाहिए? टीचर की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा की मुरली चल रही है, शिव बाबा से हम सुन रहे हैं, गीता पाठशाला की निमित्त टीचर बीच में कुछ सुनाई देती है तो सुनाने वाले से घृणा करनी चाहिए या आत्मा आत्मा भाई भाई समझ के अगर कोई अच्छी बात सुनाती है तो ग्रहण कर लेनी चाहिए? है अच्छी बात सुनाती है तो ग्रहण कर लेनी चाहिए, और कोई श्रीमत के बरखिलाफ बातें मिक्स करके सुनाती है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए? दुनिया में पता नहीं कितने कितने लोग हमको क्या क्या सुनाते रहते, तो क्या हम सबकी बातें सुनते हैं? हैं? नहीं। हाँ जिनसे प्यार हो जाता है उनकी बातें बड़े रज रज के सुन लेते हैं,
जिनसे लगाव नहीं लगता है उनकी बातों पर हम घृणा करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक एक बात को मुरली से तौलना है, श्रीमत के अनुकूल है या श्रीमत के विपरीत है। श्रीमत के अनुकूल है तो ग्रहण करना है, हम बाप के हंस स्वभाव के बच्चे बनने चाहिए। हंस क्या करता है? रतन रतन चुंग लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो ऐसे ही हमें भी करना है। गीता पाठशाला की टीचर से लड़ाई नहीं लड़ने लग जाना। हाँ, लगातार मुरली न सुना करके अपनी ही बातें अगर सुनाती रहती है, श्रीमत के बरखिलाफ बातें ही सुनाती रहती है तो हेड ऑफिस में ऊपर शिकायत करो, जवाब मिले तो ठीक और नहीं जवाब मिले तो दूसरी गीता पाठशाला है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि दूसरी गीता पाठशाला में क्यों जाते हो, हमारी में क्यों नहीं आते। जहां अच्छा लगे वहां जाओ। बाबा, जब राम ही रावण बनता है तो किसकी सीता को चुराता है? अच्छा, राम जब रावण बनेगा तो सारी दुनिया रावण जैसी बन जावेगी तब रावण बनेगा या पहले ही रावण बनेगा? सारी दुनिया रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जैसी बन जावेगी, असुर बन जावेगी, तब राम वाली आत्मा रावण बनेगी या उससे पहले ही बनेगी? बोलो। है? है? सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है तब लास्ट में जाकर के उन सबको सुधारने के लिए बाप वाली आत्मा को क्या बनना पड़े? रावण बनना पड़े। तो जब सारी दुनिया रावण बन गई और राम वाली आत्मा रावणों का भी क्या बन गई? रावण बन गई, तो औरों के मुकाबले बड़ा रावण कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा बड़ा रावण हो गई। और आत्माएं मुकाबला किया जाए तो दुखी हो रही है, उनकी सीताएं चुराई जाएंगी तभी तो दुखी होंगी, तभी तो पता चलेगा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो समझ में आ गया किसकी सीता चुराएगा? सब की सीता चुरा लेगा या एक दो की चुराएगा? बोलो। हैं? सब की सीता चुरा लेगा। पहले राजा बनने वालों की सीता चुराएगा, राजघराने वालों की सीता चुराएगा कि प्रजा वर्ग वालों की चुराएगा? तो खराब करेगा अच्छा करेगा? क्या करेगा? खराब करेगा? अच्छा, हमारी चुराई जाए तो खराब करेगा? और एक ही शरीर में तीन आत्माएं, राम कृष्ण और शिव है, तो ये तीनों आपस में कभी बात करती हैं? हाँ, करती है। जब मुरली चलती है तो
तो मुरली में तीनों की रूढ़ियां समझ में नहीं आती कभी है। अरे कभी कभी समझ में आता है कि नहीं कि ये आत्मा की ही ये बात हो सकती है, वो की नहीं हो सकती, तो उनकी रूढ़ियां हो गई। बाबा इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? होते हैं क्या? उनके पास मणि होती है? होती है क्या? मणि क्या चीज होती है? इच्छाधारी नाग को मार देते हैं तो नागिन की आंखों में मारने वाले की तस्वीर आ जाती है, तो वो उनको मार देती है। ऐसे बाहर की दुनिया में कहते हैं, ये हकीकत है क्या? ऐसे ऐसे दुनिया में मान्यताएं हैं। तो मनुष्य 84 जन्म लेता है या 84 लाख जन्म लेता है? 84 लाख जन्म जैसे काम नहीं कर सकता है? 84 लाख योनियों जैसे काम तो कर सकता है। उनमें एक योनि नाग की भी है, नागों की भी अनेक जातियां होती हैं। उनमें एक जाति है इच्छाधारी नाग, वो मणिधर सांप होता है। तो मनुष्य भी सांप जैसी करतूत करने वाले होते हैं क्या? ह्यूमन सर्प होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो इच्छाधारी सर्प भी होते हैं। इच्छा माने संकल्प, जो संकल्प की सिद्धि कर लेते हैं ऐसे मणिधर कहे जाते हैं। ये आत्मा रूपी मणि है, आत्मा रूपी मणि को सिद्ध कर लेते हैं, उनके मस्तक में सदैव मणि चमकती रहती है। वो बदला लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये धर्मराज के दूत के मुआफिक हैं। जैसे धर्मराज एक एक की 100-100 गिनाता है, पूरा बदला ले लेता है, ऐसे ही ये इच्छाधारी नाग हैं। ह्यूमन नाग हैं ये, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं एक एक का प्रूफ दे करके सजा दूंगा, बिना प्रूफ के कोई को सजा नहीं मिलेगी। पूरा चित्र दिखाता जाऊंगा, जैसे स्क्रीन में चित्र दिखाए जाते हैं कि ये तुमने पाप किए हैं। इन पापों को देखो और इनकी सजाएं खाओ। तो कहते हैं कि नागों के आंखों के अक्ष में वो सारा चित्र खींच जाता है,
पाक करने के समय का। प्रश्न आया है, कलयुग में आत्मा की शक्ति उतनी ही काम करती है जितनी संगठन की शक्ति काम करती है, ये कोई बात नहीं है। ये कोई मुरली में कहा है क्या है कि आत्मा की शक्ति उतनी ही काम करती है जितनी संगठन की शक्ति काम करती है? माने संगठन के आधार पर आत्मा शक्तिशाली बनती है। शिव बाबा की याद का कोई मतलब ही नहीं। शिव बाबा की याद की प्रैक्टिस कोई काम की नहीं रही। इस दुनिया से वैराग कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि जितना इस दुनिया से वैराग आता है उतना आत्मिक स्थिति बनती जाती है, बाप से प्यार बढ़ता जाता है। तो बाप का प्यार ज्यादा पावरफुल या संगठन ज्यादा पावरफुल? संगठन के हिसाब से देखा जाए तो पांडव तो मुट्ठी भर हैं, उनका मुट्ठी भर का संगठन है, और उनके मुकाबले जो दुनिया है जो आत्म की स्थिति में टिकी हुई नहीं होती है उनका तो बड़ा हुजूम है। फिर तो संगठन मुसलमानों का ज्यादा दुनिया में देखने में आता है या पांडवों को ज्यादा देखने में आता है? है? मुसलमानों में मक्का मदीना में जाके देखो करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई दुनिया की कौम ऐसी नहीं है जो इतनी तादाद में इकट्ठे हो पाते हो। तो मुसलमानों का संगठन जनरल आता है, या बाप के बच्चों का संगठन जन्नत लाता है? क्यों? उनके मुकाबले तो इनका संगठन दिखाई भी नहीं पड़ता। प्रश्न है, कलयुग में आत्मा की शक्ति उतनी काम नहीं करती जितनी संगठन की शक्ति काम करती है, जबकि बाप आत्मा की शक्ति बढ़ाने का पुरुषार्थ कराते हैं। असलियत यह है कि बाप जितनी जितनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाने का पुरुषार्थ कराते जाते हैं, या आत्मा जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होती जाती है, वो आत्मा की स्थिति की स्टेज ऐसी पावरफुल है जो देह अभिमानियों के संगठन को नेस्त नाबूद कर देगी। उनका देह अभिमान का संगठन है और हमारा आत्मा अभिमान का संगठन है। ये रूहानी संगठन है, वो जिस्मानी संगठन है। संगठन संगठन में बहुत भारी अंतर है। बाबा रूहानी आत्माओं का संगठन इकट्ठा करते हैं, और ये रूहानी आत्माएं सिर्फ दुनिया में 9 लाख हैं, जो कयामत के समय पर सारे संसार में आसमान में सितारों की तरह ऊंचाई पर चमकेंगी। जो जिस्मानी संगठन वाले हैं
वो उन ऊंचाई वाली आत्माओं को ही देखते रहेंगे, अपने संगठन की ताकत को ही भूल जाएंगे। हाँ जी, हाँ, गोल्डन स्पून इन माउथ का मतलब है कि हमारे मुख में सच्चाई रखी हुई होगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? क्या है सच्चाई? हाँ? नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। सतयुग में हर आत्मा के पास गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। और चलो सिग्नल आ गया।